जी जगनपुरा में जब ये डीवाई पाटिल स्कूल है ना, जी सर जी सर उसके आगे बढ़ने पर शाहपुर एक आता है, जी सर जी सर और शाहपुर के आगे एक श्रीराम स्कूल है। जी सर श्रीराम स्कूल से पहले ही राइट टर्न एक भोगीपुर एकतापुरम है। हाँ, जी सर जी तो वहीं भोगीपुर के पास में हमारा घर है। आप कहाँ सर से बात कर रहे हम पटना 0 माइल के पास से बात कर रहे हैं। 0 माइल के पास कृष्णा निकेतन स्कूल है हैं? अच्छा, हम देख लिया कृष्णा नगर में बाईपास में। जी सर, हाँ वहीं से हम बात कर रहे हैं। हाँ तो है कि मेरा बच्चा पढ़ता है क्लास 6 में, डीवाई पाटिल में। ओके तो उसी को मतलब है कि चाहिए अच्छा टीचर, जो हो कि हाँ जी हो जाएगा जाएगा ना। हाँ, मैंने घर पे आके पढ़ाएंगे ना। जी सर जी सर। टीचर आपके घर पर जाएंगे हाँ, मेनली मैथ और इंग्लिश, मेनली यही चीज देखना है जो कि कमजोर हो रहा है। 4 5 तक तो इधर उधर के टीचर से काम चला, ठीक है लेकिन 6 क्लास में चुकी है कि थोड़ा टफ हो गया, तो अब संभाल नहीं पा रहा है। लोकल टीचर तो जी सर चाहिए, एक्सपर्ट अच्छा टीचर जो कि पेशेवर टीचर हो, है ना। ठीक है। क्या मतलब चार्ज वगैरह क्या रहेगा, क्या टाइमिंग रहेगा, कुछ बताइए। हाँ, शाम का टाइमिंग होगा सर, बच्चे आपके बच्चे तो सबसे पहले ही स्कूल से आ जाते होंगे, 2:30 तक आ ही हाँ जाते हैं, हाँ तो वही 2:30 तक बच्चे आ जाते हैं, तो 3:30 के बाद का टाइमिंग रहेगा। बच्चे को तो 1 आवर चाहिए रिलैक्स के लिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, आने के बाद 4 बजे के बाद ही रखा जाए क्या? 4 बजे के बाद ही, 4 बजे के बाद और 8 बजे से पहले का बीच का कोई टाइमिंग होगा 8 बजे से पहले का। हाँ, जी। कितना टाइम देंगे पढ़ाने में? 1 आवर्स 1 आवर। जी। तो 1 आवर में उसका स्कूल का मैंने जो क्लास का जो होमवर्क मिलता है, होमवर्क तो वो कर लेगा वो लोग, मतलब वो करवा ले मैंने देखिए वो सर, ट्यूटर। पढ़ाई होम ट्यूशन का 2 तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है, एक तरीका हो गया कि बच्चे को स्कूल का होमवर्क जो मिला है बच्चे को उसमें गाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ जिससे कि आपको कोई फायदा नहीं है, हाँ ठीक है ना, एकदम हाँ साफ शब्द में बोल रहे हैं सर। सही बात है। हाँ और एक हो गया सर कि बच्चे को जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जैसे कि आप बोले मैथ और इंग्लिश इसमें लैक हो रहा है, ठीक है ना, तो मैथ और इंग्लिश का जो बेसिक है स्कूल में क्या चल रहा है उससे टीचर को कोई मतलब नहीं है। बच्चे का प्रेजेंट लेवल क्या है मैथ में उसको हाँ बेसिक से लेकर चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हो गया कि बच्चे टीचर को स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है, स्कूल में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें आप जो तरीके से बोलेंगे, क्योंकि होम ट्यूशन में पर्सनल ट्यूशन में क्या होता है, पेरेंट्स का सजेशन माना जाता है कि बिल्कुल। जो भी टीचर जाएंगे आपकी बात को मानेंगे तभी आप उनको रखेंगे, वो टीचर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप टीचर को बता देंगे या हम बता देंगे कि पेरेंट्स का कहना ये है, और उसके अकॉर्डिंग टीचर वर्कआउट करके आपको देंगे सर। हमारे क्लास के अकॉर्डिंग चलने में ये होगा ना कि ये लड़का का प्रेजेंटेशन क्लास में भी थोड़ा सा बेटर, मतलब सुधार बने, क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेगा तो हो सकता है कि क्लास में भी कुछ देखिए, पूछा अब जा रहा आपको तो एक बात बता बताएगा। रहे हैं, क्लास 6 का हम एक बेसिक एक एक्सपेरिमेंटल बात बता रहे हैं आपको। मैथ में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है, अच्छा जो अच्छा पढ़ाई हो गया होगा, इसके हाँ बाद हाँ होल हाँ नंबर है, ठीक है ना, फ्रैक्शन है, ये सब पढ़ाई हो गया होगा। तो अब बच्चे को मान लीजिए नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है, होल नंबर में प्रॉब्लम है, इंटीजर में प्रॉब्लम है हाँ, नहीं, सब में प्रॉब्लम है, मान के चलिए ना ना, जीरो है। तो सपोज डैट मान लीजिए कि वहां पर जो आगे जो बच्चा आगे का जो स्कूल तो अपने स्पीड से चल रहा है और बच्चे को जो पीछे छूटा हुआ है वो वो नहीं पीछा हुआ ही रिकवर रह हो जाए। पाएगा। वहां पर हाँ क्या देखिए, स्कूल का स्पीड क्या होगा सर, 50 बच्चे का एक एवरेज स्पीड निकाल के क्लास में हाँ चलाया हाँ जा रहा है, बिल्कुल क्योंकि वहां पे एक बिल्कुल। टारगेट भी है कि 1 ईयर के एकेडमिक प्रोग्राम में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो बच्चा अगर आपका मान लीजिए अभी हमारा बच्चा पीछे चल रहा है, ठीक है, तो हमारा कहना है कि उसका पहले बेस को स्ट्रांग करना है, ठीक, हाँ जरूरी है महीना वो। टाइम लगेगा, बच्चा ऑटोमेटिक वहां पे पकड़ लेगा। जैसे ही बच्चा का बेस ठीक। स्ट्रांग होगा बच्चा का स्पीड बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों पे टीचर को ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे का बेसिक प्रॉब्लम को क्लियर करें। अब जैसे सिक्स बिल्कुल। क्लास में एक्टिव पेसिव चल रहा होगा, रिमूव टू है, क्वेश्चन टैग है, अब बच्चे का मान लीजिए आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, यही नहीं क्लियर है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, हाँ, तो ये सब नहीं उसमें वहां क्लियर जाके था। प्रॉब्लम होगा। तो पहले जो बिल्कुल। टीचर जाएंगे आप जिनको पर्सनली रख रहे हैं वो बच्चे को उस टॉपिक पर गाइड करेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है ठीक, ठीक है। हाँ, आपका कहना सही है, वैसे ही होगा। तो दो अभी तीन आगे पेपर मेनली हमको दिखवाना, एक हो गया साइंस दिखवा ले, साइंस में तो वो रट लेता है, एग्जाम में लिख लेता है, नंबर भी ले आता है, लेकिन ज्ञान क्या है तो कुछ नहीं, तो जी कुछ सर उसको ज्ञान में समझाया जाए साइंस,
मैथ देखिए और आज इंग्लिश तीन चीज इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में प्राइवेट स्कूल जो है ना सर, वो आपके बच्चे को गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है कि बच्चे को फेल नहीं करना है, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर को भी आपसे सालाना 50,000 इनकम है, तो आपके बच्चे का ग्राफ नीचे नहीं दिखाएंगे। अगर वो दिखाएंगे तो आप वहां पर बोलिएगा, आप डिमोलाइज हो जाइएगा, बच्चे को हटा लीजिएगा मे बी, तो इस कारण से वहां पर ये सब चीज चलता रहेगा। लेकिन बेसिक जो घर में जो टीचर जाएंगे, पर्सनल ट्यूशन की बात आती है, तो वहां पे टीचर को जाकर मेहनत करना पड़ता है। और आपके बच्चे में अगर 1 मंथ पढ़ाएंगे, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिखा। हाँ आप उनको बिल्कुल हटा देंगे। तो इसलिए सबको आपको अपने अपना काम ईमानदारी से करना है। और बच्चे अगर थोड़ा पीछे आ गए हैं तो उसमें कोई बहुत अभी कुछ नहीं हुआ है, टीचर हाँ, फर्स्ट संभल में सकता है, है। इसीलिए हम चाहते हैं समय और रहते चेत जाए। आपको, आप जो अभी बोले थोड़ी देर पहले कि हमको एक पेशेवर टीचर चाहिए, आपको एक पेशेवर टीचर की जरूरत नहीं है सर। अच्छे नॉलेज वाला, नहीं, जिसके पास आपको, हाँ, नॉलेज हो। जिसके पास नॉलेज हो, और आपको एक बिल्कुल टीचर की जरूरत है जो पैशनेबल हो, जो पैशन से काम कर रहा हो। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अगर आप स्मार्ट टीचर को बुलाते हैं तो स्मार्ट टीचर को स्मार्ट स्टूडेंट भी चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग भी सही ज्यादा बात होगा। है। हाँ, हाँ, तो मैंने वही वही मतलब उसी टाइप का तो टीचर चाहिए हम जो कि आपको अपने हिसाब से काउंसलिंग करके एक बेटर स्टूडेंट टीचर, जो अभी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं पार्ट टाइम में, ठीक 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 है और ठीक पार्ट टाइम में वो जाकर पढ़ा भी रहे, वो क्या होगा कि 1 आवर के बदला वो 1 आवर 10-15 मिनट 20 मिनट ज्यादा भी टाइम देंगे। दे सकता और जो पेशेवर होंगे ना, है। हाँ, वो तो वो बस 1 आवर टाइम देकर के बदला वो निकलेंगे। 50 मिनट ही देके चलेंगे, क्योंकि उनको दूसरे घर भी जाना है। हाँ नहीं, मतलब हमको ऐसा ही टीचर जो कि टाइम दे और पढ़ाए, कि हमको बच्चे को समझाना है, खुद नॉलेज भी हो उसको, अच्छा पढ़ने वाला लड़का भी हो, तो तैयारी वारी कर रहा हो। और थोड़ा सा सर, जब टीचर जाएंगे तो आप लोग का भी कोऑपरेशन चाहिए, देख क्योंकि लेंगे देखिए देख पढ़ाना लेंगे टीचर को है और आपका इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़ना बच्चे बिल्कुल। को है। आप पढ़ना तो बच्चे को ही करें, लेकिन गाइड भी हाँ, सही चाहिए तो ना। बच्चे का भी वहां पे इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं, होमवर्क देखिए दे रहे हैं। बच्चा, हम अपने बच्चे के बारे में बता दें, वो मेहनती बहुत है, मेहनत करता है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि उसको हम भी टाइम नहीं दे पाते। हम नौकरी करते हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं रहता, सो हम टाइम अच्छा, नहीं दे पाते हैं। अब जो टीचिंग जो करके आए स्कूल में, तो क्या पढ़ाई होता है आप हम समझ ही रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। तो आप ट्यूटर एकदम चाहिए निश्चिंत ढंग रहिए का। सर, हम आपको कल शाम तक एक टीचर को भेजते हैं, ठीक और है वो आपके यहाँ पढ़ाएंगे, आप ठीक है उनको ठीक देखिए। ठीक और ये है जो बातें हमारे और आपके बीच में हुई है, ये रिकॉर्डेड है, हम उस टीचर के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक ताकि है आपको ठीक भी कोई बात बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे ठीक ठीक पढ़ाइए ऐसे ठीक पढ़ाइए। ठीक है ना, टीचर ठीक ठीक है भी ठीक सारी बात सुन करके आपके यहाँ पहुँचेंगे, ठीक ठीक और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करेंगे। चार्जेस वो बताएंगे, आप बताएंगे। चार्जेस सर आपका 3,500 होगा सर, अच्छा, माने वीक में कितने दिन पढ़ाएंगे? वीक में वो 5 डे जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। हाँ, मंडे टू फ्राइडे, माने मंडे छुट्टियाँ टू उठियाँ तो फ्राइडे कम मीन्स मारेंगे। मंडे टू फ्राइडे होगा। अगर एनी कारण, एनी रीजन टीचर अब्सेंट करते हैं, तो तो एकदम आपको माने सैटरडे संडे आकर क्लास मेकअप करेंगे। ठीक है ठीक ठीक है सर, ओके सर, ठीक थैंक है यू सर। कल हम ओके, टीचर को शाम तक भेजते भेजिए हैं। भेजिए।